क्या हो? तो बहुत अजीब दिख रहा है ये। इससे भी ज्यादा बड़ी पहाड़ी होगी वहाँ। कुछ भी नहीं है ये। निशा गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और भाई आज यार क्या बारिश हो रही है भाई। रियान आने वाले स्कूल से और मैं छाता लेके खड़ा हूँ भाई यहाँ पे। वैसे गाइज आज भाई मेरी बुआ जी आई हैं, बुआ फूफा दोनों आए हैं, तो अभी वो थके हुए हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा थोड़ी देर बाद से। कल शाम को 6 बजे से निकले हैं वो और अब दिन में 2 बजे आए। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे कैसे गीले हो गए आप? गाड़ी के अंदर। अच्छा गाड़ी में जब बैठ रहे थे जब बाहर हाँ। खड़े थे क्या? अरे यार चलो कोई बात। इतना ही की और है? अब इतना ही है भाई, बुआ लाई क्या? ये अमावट ना, अमावट तो बहुत अजीब दिख रहा है ये। तो गाइस ये हमारे फूफा जी भाई अब भी आए हैं जस्ट, और ये हमारी बुआ जी और अब खा रहे खाना। बोलो फूफा जी कुछ अपने यूपी की भाषा में, कुछ बताओ यार अपने यूपी की भाषा में बोलो। बिल्कुल यहरी वारी नहीं, मैंने तो ज्यादा जाई थे आई थे खाई थे। ये गाइस ये हमारे उधर की लैंग्वेज, ये ना अपने उधर की लैंग्वेज। भैया जी का नौता देखो, बताए कि नौता दे भैया, आधार कार्ड से नाव कट गए। वो का कहां से लोग बोल दिए घर के अंदर। 8:30 बज चुकी है सुबह की, दिन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा भाई प्लान हो रहा है अखिलेश्वर धाम मंदिर जाने का, जो कि हमारे घर से मुश्किल से 40-45 किलोमीटर दूर है इंदौर शहर में। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? सो के उठिए ना। तो भाई हम जा रहे हैं आज ओंकारेश्वर मंदिर, और एक मंदिर और जाना है लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, मेरे को लगता नहीं है। वैसे बोल तो रहे हैं सब कि वहाँ भी जाएंगे अखिलेश्वर धाम मंदिर, लेकिन मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है क्योंकि ओंकारेश्वर मंदिर ही हमारे घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है या ज्यादा ही होगा। ओंकारेश्वर मंदिर बचपन है, कौन सी दुनिया में हो यार तुम। मैं 5 बार जा चुका हूँ, 5 बार, और मेरे को पता है कि 100 किलोमीटर है, और ये एक बार भी नहीं गई है, बोल रही है 50 किलोमीटर है। चलो बाय द वे चलते हैं, लड़ाई झगड़ा तो चलता रहेगा भाई। चलो जल्दी फटाफट चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। और मैं आपको भी पूरे सीन दिखाता हूँ रास्ते के, अब घर के ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो जीजा दीदी भी आ रहे हैं, वो भी जा रहे हैं हमारे साथ में, तो वो आते हैं फिर हम निकलते हैं। हुआ ले लिया नहाने के लिए तौलिया अंगोछा। हाय साहब, हाय कर दो। हेलो हेलो, हाय जा चलें। ये आज लग रहा हीरो यार, ये संस्कार होते हैं। कहाँ जा रहे हो? मंदिर। तो दादा को तो ले नहीं जा रहे हो तुम? हाँ यार मेरे को नहीं ले जा रहे। दादा को ले चलो यार, पहले नए कपड़े पहनो, उसके बाद नए कपड़े पहनो जब ले जाओगे। हाँ। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है भाई, लेकिन चलो ठीक है, गाड़ी तो ऑफरोडिंग की है, स्कॉर्पियो तो गंदी होगी। गंदी होती है, बिठा दूं आपको? चलो बैठो। चलो चलो तो वैसे एक जगह का अखिलेश्वर धाम, क्यों अखिलेश्वर धाम का प्लान कैंसिल हो गया ना? नहीं तो बोलिए, तो बोल रहे कि सीधे ओंकारेश्वर जाएंगे। पानी नहीं है ये उधर से आने वालों के लिए, पहाड़ काट के बनाना वैष्णो देवी। अच्छा आप हो गए क्या वैष्णो देवी? हो गए मतलब नहीं गए पीछे नहीं करोगे पूरे? इससे भी ज्यादा बड़ी पहाड़ी होगी वहाँ। कुछ भी नहीं है ये। बेटा वो बंदर बहुत खतरनाक है, देखो भाई देखो इसको देखो। आप भी बंदर ये भी बंदर दोनों मिलके करेंगे पार्टी। भैरो भैरो महाराज का मंदिर है ना ये? मतलब बोलते हैं कि जो भी ओंकारेश्वर जाता है वो यहाँ इस मंदिर रुक के जाता है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई ये वाले मंदिर। गाड़ी इतनी चलती है भाई, डर लग रहा मेरे को तो यहाँ पे।
पहले अंदर तो चलो मम्मी यार। कैसे लेके गया यार ये? चलो भाई चाय पीते हैं यार, रुक के चार रखिए। आज धूप तेज है भाई। सारे आदमी आ गए। तो पहले ही मना कर देता, मेरी गाड़ी में जगह नहीं है। अरे ये सामने से व्यू आ, ये तो कुछ यार ज्यादा ही लग रहा है मेरे को पहले में। पर यार मैं गर्मी में आया था ना, गर्मी में तो हाँ बंजर हाँ लग रहा है यार, यही हिमालय लग रहा है बिल्कुल, शिमला उमला सब। शिमला मनाली में भी बस यही सीन तो है, और क्या है। हाँ बस वही है, हरियाली तो वही है, लेकिन ये दूसरा घाट आ गया ना। किस किस को नींद आ रही है? सो गए क्या पीछे? आवाज ही नहीं आई यार बहुत देर, मेरे को लगा सो तो नहीं गए। मेरे को तो आ रही सही बोलो तो नींद, और मैं सो नहीं रहा हूँ। सोऊंगा तो अच्छे को भी नींद आएगी क्या? देखो तो नहीं आ रही नींद। ओहो जय नर्मदे मैया, आ गई भैया नदी। अरे कभी नहीं देखा तुमने? मैंने भी नहीं देखा इतना पानी, तो मैंने भी नहीं देखा सही बोलो। क्यों अपन आए थे जब कितना कम था ना पानी। इनका मुंह देखो कैसा हो रहा है। दीपू ए दीपू ए दीपू कैसे देख रही है, कैसे देख रही है? नेटवर्क देखा नहीं मैंने यार, चालू करके देखो इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से ओंकारेश्वर मंदिर। तो भाई चलते हैं, हम यहाँ आराम करते हैं, दूसरी गाड़ी के लिए हम रुकेंगे भाई जीजा, क्योंकि पीछे कम से कम 10-12 किलोमीटर। हम सोच रहे हैं कि यहीं रुक के उनका इंतजार करते हैं भाई। ये कृष्ण भगवान जी की मूर्ति बनी है ऊपर, मैं बोल रहा था कि वहीं खड़ी कर दो। तो भाई आ गए हम ओंकारेश्वर मंदिर, और यहाँ से भाई अब नदी का सीन दिखाता हूँ। मामा चलो चलो चलो, हां सरदार जी आए हैं, आगे पीछे आपस में देखकर चलेंगे। मोबाइल क्या है? अरे अनिका कहां जा रहे हो तुम? नदी में नहाने जा रहे हो? भीड़ है भाई आज तो, नहीं नहीं इधर ही दिखा रहा Two hours later. Lisa. Lisa. Rayans ko dekhna pakad ke. Haan wo dikhate rehna bhi bich mein upar karke. Pata chal jayegi ye. Oh ho ho. 2 hours later. Two hours later. इतनी भीड़ में से जीजा की फोन निकाल नहीं सकते हाथ में से, जेब में से फोन निकाल नहीं सकते, इतनी भीड़ थी। नहीं आई भाई ऐसी भीड़ पहली बार देखी मैंने। बच्चे बड़े हो गए मेरे, पहली भीड़ में आने की हिम्मत तो गई मेरे भाई की। ठीक है रुक जा पहले चलने देखते हैं।
बंदूक की दुकान देखो, बंदूक चाहिए उसको। बोरी नदी चले, किसको मछली को खिलाओगे? मछली को खिलाओगे? मछली नहीं खाती, फिर कौन खाता है? अभी भाई सर हल्का हल्का मेरा दुख रहा है, पता नहीं क्यों, जब से ही दुख रहा। मैं ओंकारेश्वर से आया हूँ ना, बहुत हालत खराब हो गई थी यार ओंकारेश्वर मंदिर में। मतलब मतलब दर्शन तो हो गए थे भोलेनाथ जी के, लेकिन यार जो हम लाइन में लगे थे तकरीबन 1 बजे या 2 बजे से, तो हम दर्शन करके हम फ्री हुए हैं लगभग लगभग 6-6:30 बजे। तो यार समझ लो हाल खराब हो गई थी भीड़ में, ऊपर से गर्मी बहुत, ऊपर से दिवीसा और रियांश इतना रो रहे थे भाई, इतना रो रहे थे। मैं मतलब कि बिल्कुल आधे रास्ते तक पहुँचते पहुँचते भाई हमारा पूरा मन बना लिया था कि हम निकले कैसे भी, लेकिन निकल ही नहीं पाए। व्यवस्था यार थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि अगर कोई निकलना चाहता है तो उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है कि वो निकल पाए भाई बीच में से। और एक 2-3 केस सीरियस हो गए थे, एक बच्चा सीरियस हो गया था, एक लेडीज़ बेहोश हो गई थी, बहुत मुश्किल से निकले वो। तो थोड़ा सा मतलब उज्जैन वाली व्यवस्था ज़्यादा सही है उज्जैन में, क्योंकि रोक देते हैं बीच बीच में बैरियर, लेकिन ओंकारेश्वर में रोकते नहीं है, सारी भीड़ एक साथ घुसती है भाई अंदर। तो थोड़ा सा देखना चाहिए यार उनको, मतलब व्यवस्था थोड़ी सी ठीक करना चाहिए।